बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन ग्रेड 6 आई मीन सबा बेटा टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 3 फैक्टर एंड मल्टीपल्स। बट इससे पहले आपने ये फैक्टर्स का मतलब होता है कि फैक्टर्स आर ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर वी डिवाइड दैट नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग रिमाइंडर। यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर बेसिकली डिवाइड करने वाले नंबर को कहते हैं, जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, यानी कि उसमें रिमाइंडर कुछ ना होते। हम जब डिवाइड करते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपने मेमोरी को रिकॉल करते हो, प्रीवियस में जाते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दो नंबर लेती हूँ, 36 और 38, ठीक है, और मैंने दोनों को डिवाइड करना है 12 से। आप देखें 36 हम करेंगे तो 36 जो है 12 के टेबल में आता है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो एग्जैक्टली 12 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, 12 थ्री था 36 विदाउट लिविंग रिमाइंडर। यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 0। देखिए ये तो क्वेश्चन होता है और ये रिमाइंडर होता है, जो नीचे बचता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ है 0, रिमाइंडर 0 है, तो 12 इज द फैक्टर ऑफ 36, यानी कि 12 जो है वो 36 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो 12 जो है वो 36 का फैक्टर है, और भी जो नंबर 36 को पूरा पूरा डिवाइड करे वो उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ 12 फिर हम 38 से करेंगे, तो बेटा यहाँ ये पूरा डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 12 थ्री द 36 और 12 फोर द 48 जो है वो 36 से बड़ा हो जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है, तो हमें ऊपर वाली रकम जो है वो बड़ी और नीचे वाली रकम छोटी ही रखनी है। यहाँ बच गया रिमाइंडर 2 जब माइनस किया, तो देखिए यहाँ 38 को 12 से डिवाइड नहीं किया पूरा पूरा, लेकिन 36 में कर दिया, तो 12 क्या हुआ, 36 का फैक्टर हो गया। अच्छा 12 जब हम किसी भी नंबर जो फैक्टर है उससे क्वेश्चन को, यानी कि डिवाइड किया हुए नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं रिमाइंडर, तो हमारे पास अंदर वाली रकम एज इट इज आ जाती है, ठीक है। ये इसका डिवीजन का रूल है, डिवीजन का क्या रूल है कि अगर रिमाइंडर बचता है ना, तो हम क्वेश्चन और डिवाइड करने वाला नंबर जो होता है, डिवाइड करने वाला नंबर जो होता है, यानी कि डिवीजर जो है इसका, हम इससे डिवाइजर से जो है क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर उसमें प्लस करते हैं, तो हमारे पास वापस हमारा एक्यूरेट नंबर आ जाता है। ये तो हमने डिवीजन में मोस्टली टाइम ही हमने किया है, रूल अप्लाई किया है, ठीक है। रिमाइंडर को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिवाइजर को और क्वेश्चन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 12 3 36 + 2 = 38 बन जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में हम प्लस करेंगे, तो ये हमारा आंसर जो है आ जाएगा, जो जो नंबर डिवाइड हो रहा है। अच्छा फैक्टर्स का मैं जिक्र कर रही थी कि फैक्टर क्या है, कि वो नंबर, फैक्टर आर दोज नंबर वी डिवाइड दैट नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ ना बचे। ओके यहाँ पर हम थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं फैक्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द फैक्टर ऑफ 24 जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा या जिस नंबर के टेबल में ये आ रहा होगा, सही है। अब देखिए 1 तो सबका ही फैक्टर है, 1 तो ओवरऑल सबको ही डिवाइड कर रहा होता है। उसके बाद 24 क्या 2 से डिवाइड होता है, 24 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, तो जिन नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से इजीली डिवाइड होते हैं, डेफिनेटली ये 2 से भी डिवाइड होगा। क्या ये 3 के टेबल में आता है, वैसे तो 3 का टेबल बहुत छोटा और मोस्टली बच्चों को याद ही होता है, लेकिन अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी हो तो इन दोनों नंबर को आप प्लस कर लें, 2 + 4 क्या होगा, 6 तो आता है 3 के टेबल में, तो इट्स मीन ये नंबर जो है डिवाइडेबल है, 3 से 3 8 = 24, 3 में भी आता है ये। 4 के टेबल में, 4 के टेबल में भी 24 आता है 6 का है, तो 4 भी जो है वो इसका फैक्टर है। 5 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में आता है,
सिक्स के बाद 24 आता है एट के टेबल में, देन 12 के टेबल में, ठीक है, और फिर खुद अपने टेबल में, सही। तो दीज आर ऑल द फैक्टर ऑफ 24। ये तमाम नंबर, ये 24 को हम खुद को भी रख लेते हैं, ये तमाम नंबर 24 को पूरा डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 1 से करेंगे, 1 तो खैर सबका ही फैक्टर है, 2 से लेकर 12 तक जितने भी नंबर, हर नंबर खुद अपना भी फैक्टर होता है मुकम्मल, जो है वो खुद को डिवाइड कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद जितने भी नंबर हैं आप देखेंगे, जब हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पूरा पूरा, ये तमाम, ये 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, तो ये तमाम नंबर जो है 24 के क्या है, फैक्टर्स। इसी तरीके से अगर हम 12 को उठाते हैं, सेकेंड नंबर है हमारे पास 12। अब देखिए 12 को कौन कौन से नंबर पूरे पूरे डिवाइड कर रहे हैं, 1 कर रहा है, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद, ठीक है। तो आप देखिए ये तमाम नंबर जो है 12 को पूरा पूरा डिवाइड करें विदाउट लिविंग रिमाइंडर, वो उसके फैक्टर हैं। इसी तरह से हम 35 पर आते हैं, तो 35 को 1 कर रहा है, देन 5 कर रहा है, देन 7 कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तो 7 और 5 जो है वो दोनों प्राइम नंबर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स देखें कि यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर ही इसके फैक्टर निकले हैं 35 के, सही, 5 और 7 मल्टीपल्स की तरह। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल्स आर रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन टेबल, किसी भी टेबल में आने वाले नंबर्स, किसी भी टेबल में आने वाले नंबर जो होते हैं वो उस टेबल के मल्टीपल कहलाते हैं, उनसे मल्टीप्लाई होकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 के मल्टीपल हम देते हैं 3, 6, 9, 12, 15। अब देखें 30 तक तो मोस्टली बच्चों को याद होता है, उसके अलावा हम आगे चलते हैं 33 आर द मल्टीपल ऑफ 3, 36 ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, 39 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी इनके फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन का आपस में क्या रिलेशन निकला, कि फैक्टर्स क्या है, हर वो नंबर जो है किसी एक नंबर को हर वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हो मुकम्मल डिवाइड कर रहा हो विदाउट लिविंग रिमाइंडर, तो वो उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मल्टीपल्स वो आते हैं जो किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल, किसी भी नंबर के टेबल में जो नंबर्स आते हैं मल्टीप्लाई होकर, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। इसी तरीके से यहाँ हमने 3 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया, 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जो भी नंबर आते जाएंगे किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में वो उसके मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल्स आर द रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन टेबल, टेबल में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं जो मल्टीप्लाई होकर आते हैं वो तमाम उसके मल्टीपल्स हैं, ठीक है बेटा। ये तो फैक्टर थे, और ये फैक्टर आप समझ गए होंगे, हर वो नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर होता है कि जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, लिविंग रिमाइंडर ना बचे, और मल्टीपल्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल से रिलेटेड होते हैं। ओके बेटा, नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 38। बिल्कुल इसी लेक्चर से रिलेटेड आपको डायरी दे रही हूँ। पहला सवाल देखें, फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें दिया गया, 8 में करवा रही हूँ, 2 आपने खुद करना है। एट में आपको करवाई थी 135 इज इक्वल टू 135 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
जैसे मतलब इन दोनों को फिल करना है। अब इसका प्रोसीजर होगा वो क्या है, हम अंदर वाली रकम